आर्य सर्वबाल के नंबर सिस्टम का पाठ 17 है, प्रश्नमाला 1A टीच मिंट पर लाइव हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पासवर्ड सहित, उस पर विद्यार्थी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत क्वेश्चन कर सकता है। तो पाठ 17, यदि 51 इजी है, देखो इतना दिया हुआ है, एक्स का मान निकालना है। हमेशा याद रखना है, पावर में अगर कोई वेरिएबल रहे, जैसे यहाँ पावर में ये वेरिएबल नहीं है, ये नहीं है, बराबर के आगे ये वेरिएबल है, इसका अर्थ है पावर में वेरिएबल रहे तो नीचे वाले यानी आधार को समान करेंगे। फार्मूला में क्या है, यदि a का पावर m है और मान लो a का पावर x है, तो नीचे वाला जब एक समान होगा, नीचे वाला आधार बेस कहलाता है, ऊपर वाला पावर कहलाता है, कहलाता है ना। तो फार्मूला ये है, नीचे वाला जब एक समान होगा तो ऊपर वाला भी एक समान हो जाएगा, यानी नीचे वाला यहाँ ए है, बराबर के पहले बराबर के आगे भी ए है, तो दोनों का पावर एक समान हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए एम बराबर एक्स। पहली बात, अगर ऊपर वाला समान हो और नीचे वाला एक जैसा नहीं हो, ऊपर वाला को भगवान मानो, नीचे वाला आदमी है ना, तो नीचे वाला आदमी एक जैसा है तो गॉड भी एक है, यानी नीचे वाला भी ये ए है, ये ए है, बराबर के पहले और बराबर के आगे नीचे वाला एक समान है, तो ऊपर वाला एक समान हो जाएगा, यानी एम बराबर एक्स। दूसरी बात, अगर ऊपर वाला एक समान है, अगर ऊपर वाला एक समान है तो नीचे वाला बराबर हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, पावर यानी बराबर है, बराबर के पहले वाले पदों का और बराबर के आगे वाले पदों का पावर बराबर है तो नीचे वाला बराबर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर एक। क्यों होगा, ये घातांक चैप्टर हम चाइल्ड मतलब मैथ में बतला दिए हैं, घातांक उसमें समाप्त हो चुका है, तो ये मालूम हो गया ना। तो यहाँ पर वेरिएबल में एक्स है तो इसका मतलब नीचे वाला देखो तो एक समान है, हो जाएगा है भी, इसको लिख सकते हैं 3/5 को मान लो m, अगर 3/5 बराबर m तो m का पावर 3 इंटू m, m का पावर -6 होगा, बराबर m का पावर 2x-1। तो इतना तो समझ गया, अब नीचे वाला एक समान है, बीच में गुना है तो पावर जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा m 3 और जोर 3 में क्या जुटेगा तो -6, तो -6 जब प्लस माइनस एक साथ आवे तो बीच में कोष्ट देते हैं, है ना ऐसा नियम। तो ये हो गया बराबर m का पावर 2x-1। अब देखो m का पावर, फिर इसको एक लाइन और हल करें, एम का पावर 3 प्लस माइनस -6 बराबर एम का पावर 2x-1, ये हो गया एम का पावर -3 बराबर एम का पावर 2x-1, यानी नीचे वाला एक समान हो गया, यानी आधार एक समान हो तो पावर बराबर हो जाते हैं, तो -3 बराबर 2x-1 होगा, तो ये हो गया, और -3 बराबर 2x-1 ये हो गया, इसको आगे करो, बराबर के आगे वाला को पहले लाओ, 2x-1 बराबर -3 और 2x बराबर -3 प्लस 1 और 2x बराबर -2, इसीलिए x बराबर -2/2 बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1 आंसर मिला। इतना आंसर है, यहाँ पर है किताब 52। देखो इतना का मान कहता है निकालने के लिए,
कैसे निकालेंगे, देख करके प्रॉब्लम भारी लग रहा होगा लेकिन आसान है। लगातार संख्या हो समझा तो एक बटा एक गुने दो को कैसे हम लिख सकते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ एक बटा एक दूनी दो, हुआ ना। तो इसको इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बटा एक, एक बटा एक माइनस एक बटा दो कर दो, नीचे में गुना रहे तो। अब देखो हल करके कितना आता है, दो एक इसका लगतम कितना हो गया, दो, दो में एक से भाग दो, दो दो एक दो, दो में दो से भाग दो एक, एक को एक से गुना करो एक, दो में से एक गया एक, दो एक बटा दो को क्या लिखेंगे, एक बटा एक गुने दो। समझो ठीक से समझो, जब कहीं दिया रहे ये एक बटा लगातार संख्या, मान लो चार गुने पाँच, लगातार चार के बाद पाँच आता है ना, तब कैसे तोड़ेंगे, तो इसका अर्थ हुआ कितना, एक बटा बीस हुआ मान जी, तो एक बटा पाँच कर दो, और सॉरी एक बटा चार माइनस एक बटा पाँच, इसको हल करो तो चार गुने पाँच होगा ना, चार गुने पाँच में चार से भाग दो, पाँच बचा, पाँच एक पाँच, माइनस चार गुने पाँच में पाँच से भाग दो, पाँच कट गया बच गया चार गुने एक, चार बराबर पाँच में चार गया एक बटा चार गुने पाँच। समझ रहा है, कोई भी उदाहरण लो लेकिन लगातार संख्या चाहिए। अब मान लो एक बटा आठ गुने नौ, इसको कैसे लिखेंगे, एक बटा आठ माइनस एक बटा नौ, हल करके देख लो आठ गुने नौ लगतम होगा, आठ आठ कट गया नौ एक नौ, आठ गुने नौ में नौ से भाग दो आठ बच गया आठ एक आठ, नौ में से आठ गया एक बटा आठ गुने नौ। बोलो समझा इसको, तो हम लोग इसी तर्ज पर तोड़ेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बटा एक गुने सॉरी एक बटा एक माइनस एक बटा दो, इसको लिख सकते हैं प्लस, इसको कितना लिखेंगे एक बटा दो माइनस एक बटा तीन, हल करके देखो तीन एक तीन माइनस दो एक दो, तो तीन में से दो गया एक बटा दो गुने तीन आ रहा है प्लस, इसके लिए लिखेंगे एक बटा तीन माइनस एक बटा चार प्लस डॉट डॉट डॉट, इससे पहले क्या है बोलो तो, इससे पहले ठीक पहले है एक बटा अंठानवे गुने एक बटा निन्यानवे है ना, यानी एक बटा अंठानवे माइनस एक बटा निन्यानवे प्लस लास्ट वाला के लिए एक बटा निन्यानवे माइनस एक बटा सौ, एक बटा निन्यानवे माइनस एक बटा सौ। बोलो इस लाइन को समझा अच्छी तरह के बाद कोष्ट तोड़ दो, एक बटा एक माइनस एक बटा दो प्लस 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 एक बटा दो प्लस माइनस माइनस एक बटा तीन प्लस 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 एक बटा तीन प्लस माइनस माइनस एक बटा चार जोर, इसी तरह आता जाएगा डॉट 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 डॉट, इसको क्या लिखेंगे प्लस 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 एक बटा अंठानवे प्लस माइनस माइनस एक बटा निन्यानवे प्लस 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 एक बटा निन्यानवे प्लस माइनस माइनस एक बटा एक सौ। समझा, पहला छोड़ करके माइनस एक बटा दो प्लस एक बटा दो कट जाएगा, माइनस एक बटा तीन प्लस एक बटा तीन कट जाएगा, माइनस एक बटा चार के आगे प्लस एक बटा चार है ना, इसी तरह प्लस एक बटा अंठानवे के पहले माइनस एक बटा अंठानवे है कैसे, तो प्लस प्लस एक बटा तीन के पहले माइनस एक बटा तीन है, प्लस एक बटा दो के पहले माइनस एक बटा दो है, तो प्लस एक सौ एक बटा अंठानवे के पहले माइनस एक बटा अंठानवे है, तो ये भी कट जाएगा पीछे वाला से,
माइनस एक बटा निन्यानवे प्लस एक बटा निन्यानवे अंतिम में ये है, ये बच गया और शुरू वाला बच गया, तो कितना हुआ एक बटा एक माइनस एक बटा एक सौ, लगतम लो एक सौ माइनस एक निन्यानवे बटा एक सौ कहो या 0.99, दोनों में से जो आंसर को बोलो इसको समझा कर लो। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, तो इसमें कुछ विशेष बात नजर आती है। विशेष बात ये है ये दो का स्क्वायर है, एक बटा दो का स्क्वायर, एक बटा तीन का स्क्वायर, एक बटा चार का स्क्वायर, होते होते डॉट 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 एक बटा उन्नीस का स्क्वायर, एक बटा बीस का स्क्वायर, तो इसका अर्थ ये हो गया। और एक किसका स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर, तो इसको हम लोग जैसे एक माइनस एक बटा दो का स्क्वायर, देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक का स्क्वायर माइनस एक बटा दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर हो गया। कोई भी एक कोष्ट वाली बात लो, मान लो इसी को लेते हैं, एक माइनस एक बटा तीन का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस एक बटा तीन का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर, कोई भी लेंगे लास्ट वाला ही लेंगे, तो एक माइनस एक बटा बीस का स्क्वायर, ये हो गया एक का स्क्वायर माइनस ये हो गया एक बटा बीस का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर टोटल दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसको लिख सकते हैं बड़ी कोश या चलो हाँ, एक का स्क्वायर माइनस एक बटा दो का स्क्वायर, इसको इनटू इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर बटा एक बटा तीन का स्क्वायर, सेम एक माइनस एक बटा चार का स्क्वायर, पहला को जो बतलाए एक को एक का स्क्वायर माइनस एक बटा दो का स्क्वायर, सेम यही कहानी है ना। अब फिर इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वन प्लस वन बाई टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वन माइनस वन बाई टू, इतना होगा। फिर सब जगह गुने है, तो मान लो ये कोष्ट नहीं दे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको तोड़े तो ये हुआ गुना के रूप में, फिर गुना है तो इनटू इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर तोड़ेंगे, तो एक प्लस एक बटा तीन यानी ए प्लस बी इनटू एक माइनस एक बटा तीन यानी ए माइनस बी, सेम कहानी इसमें एक प्लस एक बटा चार इंटू एक माइनस एक बटा चार डॉट डॉट डॉट, इसका हो गया एक बटा एक माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, एक प्लस एक बटा उन्नीस इंटू एक माइनस एक बटा उन्नीस इंटू लास्ट में ये लाइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर त्वरा हुआ है, ऐसी बात। अब इसमें हम लोग प्लस वाला को एक जगह कर लेंगे, जैसे ये प्लस वाला ये हुआ, जितना प्लस वाला है सबको एक साथ कर लेंगे, मान लो ए गुने बी गुने सी गुने डी, तो किसी को पहले लिखो ए गुने बी गुने सी गुने डी, इसी तरह रहे तो इसको ए गुने सी लिख सकते हैं, फिर गुने बी गुने डी, गुना में तो आगे पीछे क्रम बदल ही सकते हैं ना, तो वही सब प्लस वाला को एक जगह ले आएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई थ्री इंटू वन प्लस वन बाई फोर, एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको कोष्ट में घेरेंगे, लास्ट में प्लस वाला कहाँ है, ये डॉट 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 गुना में वन प्लस एक बटा उन्नीस, तब लिखो ये लास्ट वाला इंटू वन प्लस एक बटा बीस, कोस माइनस वाला बच रहा है तो गुने में ना, तो फिर गुना और फिर माइनस वाला को एक जगह कर लिए, इसको लिखेंगे एक माइनस एक बटा दो कोस्ट इंटू ये लिखे माइनस वाला, अब ये लिखेंगे
एक माइनस एक बटा तीन इंटू ये एक माइनस एक बटा चार इंटू डॉट 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 एक माइनस एक बटा उन्नीस फिर लास्ट वाला इंटू एक माइनस एक बटा बीस कोष्ट बड़ी कोष्ट में बंद कर दो। हम प्लस वाला को एक जगह ले लिए माइनस वाला को एक जगह ले लिए तो कोई अंतर नहीं पड़ा नहीं ना पड़ा यहाँ तक समझ गई है ना। अच्छा समझ गए नहीं ये लाइन। अब इस लाइन को अगर हम लोग हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कोस देखो दो लगतम दो जोड़ एक ये हो गया कोस्ट गुने ये लगतम लेंगे तीन तीन एकन तीन जोड़ एक तीन जोड़ एक गुने ये चार एकन चार जोड़ एक बटा चार इसको हल करके होगा ना डॉट 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 मतलब गुने डॉट 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 ये हो गया उन्नीस एकन उन्नीस जोड़ एक गुने उन्नीस जोड़ एक बटा उन्नीस जोड़ एक बटा उन्नीस गुने बीस एकन बीस जोड़ एक बटा बी कॉमा कॉमा कहते हैं कोस्ट तब फिर गुना ये कितना हो गया दो एकन दो माइनस एक नहीं होगा दो माइनस एक बटा दो गुने तीन एकन तीन माइनस एक बटा तीन गुने चार एकन चार माइनस एक बटा चार गुने डॉट 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 उन्नीस एकन उन्नीस माइनस एक उन्नीस माइनस एक बटा उन्नीस गुने बीस एकन बीस माइनस एक बटा बीस कोस्ट बंद। बोलो समझे अब ये कितना हो गया दो एक तीन बटा दो गुने तीन एक चार बटा तीन गुने चार एक पाँच बटा चार गुने डॉट 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 उन्नीस एक बीस बटा उन्नीस बीस एक इक्कीस बटा बीस गुने दो में से एक गया एक बटा दो गुने तीन में से एक गया दो बटा तीन गुने चार में से एक गया तीन बटा चार गुने डॉट 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 गुने उन्नीस में से एक गया अठारह बटा उन्नीस गुने बीस में से एक गया उन्नीस बटा बीस होगा। देखो ये तीन और ये तीन कटा ये चार कटा तो यहाँ पर चार बटा तीन है पाँच बटा चार है तो यहाँ चार बटा तीन होगा होगा ना सॉरी बढ़ रहा है तीन चार पाँच तो यहाँ छः बटा पाँच होगा। ऊपर वाला से एक कम नीचे वाला है पाँच से एक कम चार चार से एक कम तीन तो यहाँ पाँच के आगे छः छः से एक कम पाँच छः बटा पाँच तो ये पाँच कट जाएगा। फिर यहाँ चार यहाँ जो है यहाँ जो संख्या है आगे वाला बटा से कटेगा इससे पहले क्या है इससे इक्कीस में से एक घटाओ बीस है ना पाँच में से एक घटाओ चार चार में से एक घटाओ तीन तो बीस में से एक घटाओ यहाँ उन्नीस है तो उन्नीस उन्नीस कट जाएगा कटेगा ना पीछे वाला से ये बीस कट गया तो ऊपर में देखो सब कट करके एक हो गया है अंत में इक्कीस बचा है तो इक्कीस बटा नीचे में दो बचा है और अंत तक कट गया है इक्कीस बटा दो अगुने इसमें देखो ये दो कटा ये तीन कटा ये चार यहाँ तीन बटा चार है यहाँ दो बटा तीन दो से एक अधिक जोड़ो तीन बटा चार तीन से एक अधिक दो जोड़ो चार बटा पाँच होगा तो यहाँ का चार कट जाएगा। इसी तरह अठारह से पहले सत्रह है सत्रह बटा अठारह है ना जैसे तीन से पहले दो है दो से पहले एक है उन्नीस से पहले अठारह है अठारह से पहले यहाँ सत्रह होगा तो सत्रह यहाँ उन्नीस है तो एक कम अठारह यहाँ का अठारह कट जाएगा ये उन्नीस कटेगा। ऊपर में देखो खाली एक बच गया है बटा नीचे में बीस बच गया है तो कितना हो गया इक्कीस बटा चालीस आंसर। समझे इसको तो इस पार्ट में रहने दो इतना ही और ये दो हिस्सा बावन तिरपन जो है इसमें कैसे बनाए हैं इसको याद रखना।